अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी बॉलीवुड अपकमिंग फिल्म की एंड का की प्रमोशन के लिए एक रेडियो चैनल में गए थे, जहां अर्जुन कपूर ने आरजे को सवाल करने पर थप्पड़ मार दिया। आरजे ने उनसे पूछा कि क्या अब उनके पास कोई ढंग के रोल नहीं बचे जो वो लड़कियों के रोल कर रहे हैं, और अर्जुन इस सवाल पर इतना भड़क गए कि उन्होंने आरजे के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अर्जुन ने वहां मौजूद लोगों से उनका कैमरा बंद करने को भी कहा। इसी दौरान शूटिंग कैमरे को भी जमीन पर फेंक दिया। लेकिन घबराइए मत, असल में ये एक प्रैंक था, क्योंकि ये फिल्म 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल्स डे को रिलीज हो रही है, तो शायद इसीलिए अर्जुन आरजे के साथ मजाक करते नजर आए। फिल्म में करीना पहली बार एक करियर ओरिएंटेड वुमन का किरदार निभा रही हैं। हाल ही में रैपर बादशाह और हनी सिंह एक पार्टी के दौरान झगड़ पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये एक प्राइवेट पार्टी थी जो दिल्ली में हुई थी। कहा जा रहा है कि पार्टी के दौरान न केवल दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई, बल्कि वो धक्का मुक्की पर भी उतारू हो गए थे। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अलग किया। 10 मार्च को हनी सिंह ने अपनी पंजाबी फिल्म जोरावर का ट्रेलर लॉन्च किया था। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में खुद को रोल्स रॉयस और बादशाह को नैनो कहा था। बताया जा रहा है कि बादशाह इसी बात से नाराज थे, और जब दिल्ली में उनकी मुलाकात हनी सिंह से हुई तो दोनों में गर्मा गर्म बहस हुई। हालांकि हनी सिंह के पीआर ने झगड़े वाली खबर का खंडन किया है। अभिनेत्री ईशा गुप्ता सिल्वर स्क्रीन पर सिंघम स्टार अजय देवगन के साथ रोमांस करती नजर आ सकती हैं। बॉलीवुड फिल्म बादशाह में अजय देवगन की मुख्य भूमिका है। फिल्म में अजय देवगन के ऑपोजिट करीना कपूर के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। इससे पहले फिल्म के लिए नरगिस फाकरी के बारे में भी चर्चा हुई थी, लेकिन वो बात भी अफवाह ही साबित हुई। चर्चा है कि अब बादशाहों के लिए अजय के ऑपोजिट ईशा गुप्ता का चयन किया जा सकता है। बादशाहों के लिए अजय देवगन के अलावा विद्युत जामवाल का नाम भी तय माना जा रहा है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दीपक शिवदसानी की फिल्म जूली पार्ट 2 का नया पोस्टर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म जूली की सीक्वल है, जिसमें नेहा धूपिया लीड रोल में थी। नई फिल्म में साउथ की बोल्ड एक्ट्रेस राय लक्ष्मी लीड रोल निभा रही हैं। इससे पहले फिल्म के 2 पोस्टर्स रिलीज हो चुके हैं जो काफी ग्लैमरस थे। ये फिल्म 12 अगस्त को रिलीज होगी। वन नाइट स्टैंड इज सनी लियोन्स नेक्स्ट अपकमिंग मूवी। द फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म टाइटल्ड दो पेग मार इज आउट, विच इज कूल एंड पेपी पार्टी नंबर दैट फीचर्स द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सनी लियोन। सनी लियोन सेट्स द स्क्रीन ऑन फायर विद हर हॉटनेस एंड सेंसुअलिटी एज शी मूव्स टू द कैची बीट्स एंड विल श्योरली होल्ड ऑल योर अटेंशन। द सॉन्ग लिरिक्स आर रिटन बाय कुमार, विच इज ऑल अबाउट ड्रिंकिंग योर ट्रबल्स अवे, एंड द सॉन्ग इज संग बाय नेहा कक्कड़। दिस सॉन्ग ऑल्सो फीचर्स लीड एक्टर तनुज विरवानी सीन ब्रूडिंग एंड ड्रिंकिंग। द फिल्म इज ऑल सेट टू रिलीज ऑन अप्रैल 22nd. Well, thanks for watching this video. Now hit the like button and subscribe our channel to watch more. See you in the next video. Till then, enjoy.